नमस्कार दोस्तों, ये जो मोटरोला का मोबाइल है इसमें बैटरी ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है इसको 100% सॉल्व कर दूंगा। देखिएगा, सबसे पहले सेटिंग खोल लीजिए और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ये ऊपर आपको मिल रहा है ऐप एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन, इसको खोल लीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन, इस पर खोल लीजिए। अब जितने भी आपके सिस्टम में ऐप्स हैं सारे ऐप्स ये खोल जाएंगे। इससे ना सिर्फ आपके बैटरी ड्रेनेज की प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, अगर आपका मोबाइल हैंग करता है तो वो भी दूर हो जाएगा, समझिएगा। ये देखिए, जितने भी आपके सिस्टम ऐप्स हैं मैं आपको कुछ ऐप्स में ये सेटिंग करके बताऊंगा, और ये सेटिंग आपको आपके सारे ऐप्स में कर लेना है जितने भी आपके सिस्टम ऐप्स हैं। मैं यहां से कोई भी एक ऐप ले लेता हूं, सपोज दैट मैंने यहां से ऐप ले लिया जियो स्विच ऐप, ठीक है। देखिएगा कोर प्रॉब्लम क्या होता है। अब यहां पर आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करिए। देखिए इसमें देखिए क्या क्या, ये चार ऑप्शन को देखिए। पहला है फोन नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, फाइल ट्रांजेक्शन। अब एक बात समझिए, इसमें बैकग्राउंड प्रोसेसिंग ये ऑन है। अब बताइए इसमें बैकग्राउंड प्रोसेसिंग ऑन होने का क्या मतलब है? मतलब आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो तो उस समय जियो स्विच क्यों काम करे? आप कोई WhatsApp पर मैसेज कर रहे हो तो बैकग्राउंड में जियो स्विच का काम क्या है? इससे क्या होगा, अगर ये ऐप बैकग्राउंड में काम करेगा सीधे प्रोसेसर पर इफेक्ट करेगा, प्रोसेसर को काम करना पड़ेगा, प्रोसेसर काम करेगा तो वो सीधे आपके बैटरी पर इफेक्ट करेगा, बैटरी खर्च करेगा। क्या करना है, इसको बंद कर दीजिए, जितने हैं सबको बंद कर दीजिए। इनफैक्ट अगर एक ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको फोन नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस फोन नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब इससे आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन बार बार आपको आते रहता है जिसका कोई काम नहीं है। सेम जितने भी जियो के ऐप्स हैं, ना सिर्फ जियो के ऐप्स और भी अदर ऐप हैं। माई जियो के ऐप्स में क्या होता है कि बार बार आपको रिचार्ज का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। अगर माई जियो का ऐप अगर आप इंस्टॉल किए हैं तो उसे ऐसे करके बंद कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर गूगल पे का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जब आपको किसी को पेमेंट करना होगा तो आप गूगल पे में आकर मैनुअली कर लोगे। आपको ये बार बार नोटिफिकेशन क्यों सेंड करे कि ये पेमेंट कर ले? आप बार बार ये नोटिफिकेशन सेंड करने का मतलब क्या है कि ये बैकग्राउंड में ये ऐप जो है ये वर्क करता है। बैकग्राउंड में वर्क करेगा तो सीधे आपके प्रोसेसर पे इफेक्ट करेगा और जिसकी वजह से आपके बैटरी ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी। इसको फोन नोटिफिकेशन में बंद कर दीजिए। जितने भी ऐप्स है, मैं तो एक दो ऐप्स के लिए बता रहा हूं, सब पर ये काम कर लीजिए। अब आपके लिए बेहतर होगा कि आप देखिए आपको किस चीज का नोटिफिकेशन चाहिए होगा। आपको व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन चाहिए होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा फेसबुक का नोटिफिकेशन चाहिए होगा। इनका नोटिफिकेशन को आप बंद मत करिएगा, और जितने भी ये सब ऐप्स हैं सबके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। जैसे यहाँ पर भीम यूपीआई हो गया, और भी जैसे ये क्रोम में क्या प्रॉब्लम होता है कि बार बार ये आपको न्यूज वगैरह शो करते रहता है कि ये न्यूज हो गया, वो न्यूज होगा। आप न्यूज जब देखना होगा तो आप देख लोगे क्रोम को खोलकर। तो यहाँ पर भी क्रोम का कोई आपको नोटिफिकेशन आते रहता है, यहाँ पर सो नोटिफिकेशन का जो ये ऑप्शन है इसको बंद कर दीजिए। एक टैप में बंद करेंगे जितने भी नीचे का होगा वो सब बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या स्टेप करना है, ये तो सारे आप जितने भी आपके ऐप्स होंगे इस मोबाइल में तो बहुत ही कम ऐप्स हैं, सब में ये फंक्शन आप कर लीजिएगा, सिस्टम कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बैक चले जाना है, बैक जाएंगे तो यहाँ पर साउंड का एक ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए एक बार समझिए, जो वाइब्रेशन होता है वो नॉर्मल साउंड से अलग होता है, वाइब्रेशन के लिए अलग से हार्डवेयर होता है। मतलब जो आपका स्पीकर है वो आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, वाइब्रेशन के लिए अलग से ही सिस्टम होता है, अलग से ही हार्डवेयर होता है। अब देखिएगा यहां पर देखिए एक ऑप्शन है एडवांस सेटिंग का ऑप्शन, यहां पर आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक करिए। देखिए यहां पर है डायल पैड नोड का ऑप्शन, ठीक है। जब भी आप कोई नंबर डायल करते हो तो टून टून करके आवाज आती है, देखिए वो आवाज आपको अच्छी लगती है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वो आवाज चाहिए या आपको बैटरी ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आपकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए। तो ये इसको आप ऑफ करिए। ये लॉक स्क्रीन साउंड, जब भी आप लॉक स्क्रीन करते हो तो साउंड से साउंड आती है, उसकी क्या जरूरत है? वो अच्छा लगता है लेकिन फिर आपको समझ देख लेना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी बैटरी अच्छी चाहिए कि आपको लॉक स्क्रीन पर साउंड अच्छी चाहिए। सबको बंद कर दीजिए, सब ये जितने भी हैं सब बंद कर दीजिए। ये टच वाइब्रेशन, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप कुछ टच करते हो तो वाइब्रेशन वहां पर दिखाई देता है, और ये जो वाइब्रेशन इसका हार्डवेयर अलग होता है। जब भी आप टच करते हो तो हार्डवेयर फिर से काम करता है, फिर से वो बैटरी से अपना पावर लेता है जितना उसका कंजप्शन होता है। तो बार बार सोचो आप कितनी बार मोबाइल को टच करते हो और ये बार बार ये वाइब्रेट करता है, वो हाथ में तो बहुत अच्छा फील होता है लेकिन इससे वैसे बैटरी की बहुत प्रॉब्लम होती है, और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बैटरी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जितने भी है बंद कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इसके बाद आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फिर देखिए यही कुछ प्रॉब्लम थी जो आपको इस मोटरोला वन प्लस फ्यूजन में थी। इस फोन को तो मैंने सिर्फ इसलिए ही बाय किया था क्योंकि ये फोन चाइना की कंपनी को उस समय नहीं था, अब तो बहुत सारे इस पर बवाल हो गए हैं कि ये
लेनोवो ने खरीद लिया है, नहीं तो इससे बेटर आपको ऑप्शन मिलता है रेडमी नोट 9 प्रो, उसके साथ आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा।